यहाँ इस घर में तुम्हें सब दिया जाता है, तो फिर किस चीज की जरूरत है तुम्हें? जो कुछ भी मिलता है उसके अलावा भी एक इंसान की जरूरतें हो सकती हैं रूमी। अच्छा, अब तुम्हारे पास पैसे हैं, तुम कभी भी विड्रॉ कर सकती हो और कोलकाता जैसे शहर में तुम फ्री में रह रही हो, फ्री का खाना है, सब कुछ तो फ्री में है, तो किस बात की टेंशन है तुम्हें? अगर मैं आपसे कहूंगी कि आप मुझसे पैसे ले लीजिए, आप लेंगी? नहीं लेंगी ना, तो फिर क्यों बेकार की बातें कर रही है बिपाशा दीदी? जाना, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई कि तुम मुझसे ऐसी बातें कर रही हो? जैसे आपकी हिम्मत हुई। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप फ्री का खाना खाती हैं, फ्री में इस घर में रह रही हैं, तो कैसा लगेगा? बहुत बुरा लगेगा ना। तो वैसे ही मुझे भी बुरा लगता है बिपाशा दीदी। छनक के गिफ्ट्स में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे छनक का लाया हुआ कुछ नहीं चाहिए। मो उसके गिफ्ट्स में किसे इंटरेस्ट है? मुझे भी इंटरेस्ट नहीं है। वैसे भी उसकी हिम्मत नहीं होगी तुम्हारे लिए कुछ लेकर आने की, लेकिन ये मैं उसे बोलूंगी जरूर। लेकिन क्यों बोलना है? उसे इतनी इंपॉर्टेंस ही क्यों दे रहे हो मॉम? और ये दीदी दीदी क्या है? हमने कभी ये रिलेशन एक्सेप्ट किया है क्या? अर्शी डोंट टेक स्ट्रेस, सोच समझ के बोलूंगी, सिचुएशन देखकर बोलूंगी, ओके? और तुम क्यों इतना टेंस्ड हो रही हो? हां मुझ पर छोड़ दो सब कुछ, ओके? चलो अब जल्दी चलो मॉम। मॉम मुझे सच में लगता है यानी मुझसे बहुत प्यार करता है। अब ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन ये बात आज तुम्हें मुझे बताने की जरूरत क्यों पड़ रही? इसलिए क्योंकि तुम्हारे मन में भी शक का कांटा चुभ रहा है ना, और वो कांटा है छनक। एक दिन देखना, तुम्हें बहुत बहुत अच्छा पति मिलेगा। हाँ, वो तुमसे बहुत प्यार करेगा। हाँ, वो किसी की बात नहीं सुनती ना आशी, इसीलिए मैं सोच रही थी कि अगर उसकी शादी कैंसिल होके तुम्हारी शादी अनी से हो जाए। हाँ, दोनों साथ में कितने अच्छे लगोगे। पहले भी बताया था ना मैंने आपको, ये बात मत कहिए आप प्लीज। क्यों क्यों नहीं करूंगी मैं ये बात? हाँ, मैं तो बार बार ये बात ही कहूंगी। हाँ, मुझे तुम दोनों की जोड़ी अच्छी लगती है तो मैं कहूंगी ना। सुनना भाई। क्या हुआ पुदी? तुमने सुना मैंने जनक को क्या बोला? अपूदी, अगर आपने एक और शब्द बोला ना तो मैं आपसे बात नहीं करूंगी जिंदगी भर के लिए। ठीक है, मत करो, अभी चुप रहो। मैंने सुना अपूदी, आपने क्या कहा? बहुत गलत बात है, प्लीज नेक्स्ट टाइम से मत कहना। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।